हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। वो हंसती है तो वादियाँ खिल उठती हैं, और वो बोलती है तो बॉलीवुड में भूचाल आ जाता है। वो ठुमकती है तो पूरा लंदन ठुमक उठता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है पहाड़ों की रानी और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत। अकेले अपने दम पर फिल्मों को हिट कराने वाली कंगना का आज जन्मदिन है। सत्रह साल की उम्र में मंडी से अपना सफर शुरू करने वाली कंगना अब बॉलीवुड की क्वीन बन गई है। कंगना रनौत बॉलीवुड में ऐसा नाम है जो अपने स्टारडम नहीं बल्कि सादगी भरे अंदाज और दिल को छू लेने वाली एक्टिंग की वजह से पहचानी जाती है। लेकिन काफी संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर वो दिल्ली से मुंबई गई और सड़कों पर रातें बिताई। आइए कंगना के जन्मदिन के इस खास मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास बातें। कंगना का जन्म 1987 में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुआ था। कंगना की माँ स्कूल टीचर और पिता बिजनेसमैन हैं। घर में उनके अलावा एक बड़ी बहन और भाई भी है। खबरों की माने तो कंगना के पिता चाहते थे कि कंगना डॉक्टर बने, लेकिन जिद्दी और अडियल कंगना को तो हीरोइन बनने का जुनून सवार था, और इस जिद को पूरा करने के लिए वो घर छोड़कर भाग गई और अपने एक्टिंग करियर का सपना लिए कंगना ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया, जहां कंगना ने 4 महीने तक एक्टिंग का कोर्स किया। उनके करियर की शुरुआत मॉडलिंग और थिएटर से हुई, जिसके बाद फिल्म गैंगस्टर से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन इसके लिए उन्हें करीब 20 ऑडिशन देने पड़े थे, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु से उनकी मुलाकात एक कैफे में हुई थी। लेकिन इस कैफे की मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी मानो बदल सी गई हो। बता दें कि इस मूवी में दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। गैंगस्टर के 2 साल बाद मधु भंडारकर की फिल्म फैशन भी कंगना के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। इस फिल्म से कंगना ने दर्शकों का दिल ही नहीं बल्कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता, और इसके बाद कंगना के करियर की गाड़ी चल ही पड़ी। फिर क्या था, इसके बाद कंगना की तनु वेड्स मनु, राज, क्वीन, वो लम्हे, लाइफ इन द मेट्रो, रंगून, क्रिश और सिमरन जैसी फिल्मों ने कंगना को बॉलीवुड में एक पहचान दिलाई, और यही वजह है कि आज सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है कंगना रनौत। बता दें कि हाल ही में कंगना की फिल्म मणिकर्णिका ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार कमाई की है, और ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई है। वही कंगना की अगली फिल्म की बात करें तो जल्द ही वो डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा में नजर आएंगी। इसके साथ वो राजकुमार राव के साथ फिल्म मेंटर है क्या में भी काम करती नजर आएंगी। वैसे कंगना को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।